दुनिया के इतिहास में कई सम्राट हुए जो खुद को नायक बताते रहे। वह कुछ समय के लिए चमके भी पर जल्द ही गायब होते गए। लेकिन सम्राट अशोक की चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है। वह आज भी एक सितारे की तरह चमकदार बने हुए हैं। दुनिया भर में उन्हें दो वजहों से जाना जाता है, पहला कलिंग युद्ध के लिए और दूसरा भारत और दुनिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। पर इसके साथ साथ उनसे जुड़े कुछ और पहलू भी हैं, जिन पर नजर डालना जरूरी है। तो आइए आज बात करते हैं सम्राट अशोक की। 99 भाइयों की हत्या कर बने थे राजा। यूं तो इस्लामिक शासक ही सत्ता छीनने के लिए बदनाम रहे हैं, पर अशोक जैसे महान राजा ने भी यह कुकृत्य किया था। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। माना जाता है कि उनकी प्रतिभा के चलते उनके सौतेले भाई उनसे जलते थे। इसी कड़ी में जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उनके सौतेले भाई सुशीम ने राजगद्दी का सही हकदार होने का दावा ठोका, परंतु ज्यादातर मंत्री अशोक को राजा देखना चाहते थे। ऐसे में समस्या यह थी कि जब तक अशोक के सौतेले भाई रहते उनका राजा बनना मुश्किल था। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने तय किया कि वे किसी को नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करते हुए राजगद्दी पर कब्जा किया। क्रूरता के कारण लोगों ने कहा चंड अशोक। अशोक एक गुस्सैल राजा थे। कहानियों के अनुसार वे अपने हरम में सैकड़ों औरतों को रखते थे और उनके साथ मनमानी करते थे। उन पर कईयों को जिंदा जलवाने तक का आरोप है। कहानियां तो यह भी कहती हैं कि उन्होंने गद्दारी के शक में अपने सैकड़ों मंत्रियों को मौत की सजा दे दी थी। बिल्कुल तानाशाहों की तरह उन्होंने एक यातना गृह भी बनवाया था, जहां वे अपने विरोधियों को कैद करके यातनाएं देते थे। वह यातना गृह इतने खराब होते थे कि इन्हें उस समय धरती का नरक कहा जाता था। लोगों का मानना है कि अशोक के इन्हीं अमानवीय कार्यों के कारण उन्हें चंड अशोक की संज्ञा दी गई थी। भारत के अंदर विजेता बनकर उभरे, अपने शासन के 90 वर्ष तक अशोक ने मौर्य साम्राज्य की परंपरागत नीतियों का अनुसरण किया। अशोक ने देश के अंदर साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपना साम्राज्य आज के वर्मा से ईरान तक और कश्मीर से तमिलनाडु तक स्थापित कर लिया था। भारत के अंदर वे एक विजेता बनकर उभरे। उन्होंने नेपाल को जीता और तक्षशिला के विद्रोह को शांत किया। वह कलिंग को जीतने में भी कामयाब रहे थे। कलिंग के युद्ध ने किया हृदय परिवर्तन। कलिंग जो उस समय एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य था, अशोक ने इसको जीतने के लिए हमला कर दिया। जीत का भूत अशोक पर इतना ज्यादा था कि वे तेजी से आगे बढ़ते गए और लोगों को काटते गए। इस युद्ध में लगभग 100,000 सैनिक मारे गए और 500,000 से ज्यादा लोगों को बंदी बनाया गया। इस युद्ध को जीतने के बाद जब अशोक रणभूमि पहुँचे तो वहाँ पड़े शवों और उन पर विलाप करते हुए परिजनों को देखकर उनका दिल पसीज गया। वह खुद से सवाल करने लगे कि उन्होंने यह क्या कर दिया। यदि यह विजय है तो पराजय क्या है, यह न्याय है या अन्याय है। अगर इसको वीरता कहते हैं तो बर्बादी कैसी होती होगी। क्या मासूम बच्चों और स्त्रियों की हत्या वीरता है। क्या यह मैंने अपने साम्राज्य के विस्तार और समृद्धि के लिए किया या फिर दूसरे राज्य के विनाश के लिए। इन शवों के ढेर के क्या मायने हैं। क्या सच में यह मेरी विजय के सूचक है या मेरी कायरता के। और तब चल पड़े अच्छाई की राह पर। ऐसा माना जाता है कि कलिंग के इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फैलाया। इसके लिए उन्होंने बुधवार के जीवन से जुड़ी जगहों पर कई स्तूपों का निर्माण किया। इसकी बदौलत उन्हें धर्म अशोक की पदवी भी मिली, जिसका अर्थ है पावन या पवित्र अशोक। उन्होंने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को सिलोन भेजा ताकि वहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। अशोक ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए हजारों स्तूप बनवाए। सांची का स्तूप इसका एक बड़ा उदाहरण है। सारनाथ में बना अशोक स्तंभ अशोक ने ही बनवाया था, जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय स्तूप होने के साथ साथ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है।